खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। गढ़चिरौली में 16 खतरनाक नक्सलियों का पुलिस के स्पेशल कमांडोज ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर खात्मा कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 2 खूंखार जिला कमांडर भी शामिल थे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं जाबांजों की है जिनके आगे नक्सली देर तक टिक नहीं पाए। अपने ऑपरेशन की कामयाबी पर इन जानबाज ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। नक्सलियों के ऑपरेशन की बड़ी बातें आइए आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद गढ़चिरौली के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। 16 नक्सली ढेर किए गए, जिसमें 2 जिला कमांडर भी शामिल हैं। एनकाउंटर को गढ़चिरौली पुलिस के स्पेशल C60 कमांडोज ने अंजाम दिया है और इस एनकाउंटर में नक्सलियों के 2 जिला कमांडर साईनाथ और सीनू मारे गए हैं। साईनाथ गढ़चिरौली में कई बड़े नक्सली हमलों का सूत्रधार था, वहीं जो सीनू है वो आंध्र प्रदेश में भी नक्सली हमलों में सक्रिय था और साल 2003 से गढ़चिरौली में नक्सली हमलों को अंजाम दे रहा था। गढ़चिरौली में कमांडोज का ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन नक्सलियों की तलाश में अभी भी वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी कि सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है कि कहीं उस पूरे इलाके में अभी भी नक्सलियों की सक्रियता तो नहीं है, कहीं नक्सली कहीं छिपे तो नहीं हुए। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।